हाय दोस्तों, नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक है, अच्छे ना हूँ मैं। और देखो, आज आपको मैं इधर का मौसम देखो कैसे हो रहा है। आज मैं आपको एक जंगली पत्ते के पकोड़े बना के दिखाऊंगी, प्याज के साथ और बेसन के साथ, ठीक है? आप लोग देखो, वैसे बहुत से लोग खाते ही इनको कहते, देखो हम दिखाते हैं आपको। ये पत्ता है, ये पत्ता इनको कहते, बहुत से लोग बनकचरी भी बोलते, और बहुत से लोग इसको, हम जहाँ पे हरियाणा रहते हैं ना, यहाँ पे लोग इसको बोलते पड़वल, पड़वल के पत्ते। मगर खाते कोई नहीं है इधर। इसके जो फल होते हैं ना, वो बाज़ार में बिकते तो खाते। तो हम इसके, देखो दोस्तों, हम इसके कच्चे कच्चे पत्ते सारा तोड़ लेंगे ऐसे करके, ऐसे सारे पत्ते तोड़ के फिर हम आपको दिखाएंगे, इसके पकोड़े बनाएंगे। और इसके पकोड़े आप पता है दोस्तों, इसके ये जो है ना, इसको भी आप आलू से, पतले पतले आलू काट के और लहसुन के तरकन लगा के भी सब्जी बना के खा सकते हो। बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। हम लोग खाते कभी कभी, जब मेरे को टाइम लगते तब मैं कर लेती हूँ, मगर टाइम ही ना मिलते। आज वैसे छुट्टी, इसीलिए अब क्या करूँ, पेट के लिए दोस्तों कमाने पड़ते। अब फिर मैं इसको जब पकोड़े बनाऊंगी ना, आप इस पकोड़े को ना गरम गरम चावल के साथ खाना, बहुत टेस्टी लगता है। इस पकोड़े को इसमें प्याज बेसन डालेंगे हम, ठीक है? और इसके फूल देखो कितने प्यारे फूल है इसके, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर फूल है इसके। फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, हम इसमें देखो प्याज और पत्ते को काट लिए। अब इसमें चार हरी मिर्च डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम मिर्च कम खाते हैं, वैसे बच्चे खाते हैं ना। अब लोग चाहे तो ज़्यादा डाल के खा सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या डालूँगी, ठीक है? अभी मेरी बहू रानी मुझे मिर्ची और ये काट के दे रहे, देखो मैं फिर तैयार करूँगी इनको। देखो दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे बेसन, बेसन थोड़ा सा वो हो गए मौसम की वजह से। डालेंगे हम नमक, अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इनको मैं अच्छे से मिलाऊंगी, पहले पानी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि नमक डालने से ना, ये बेसन में आप नमक डालोगे ना तो गीला हो जाते वैसे। बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी मैं इसमें। बेसन थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी मैं इसमें।
करके थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। देखो दोस्तों पानी इसमें डालने से ज्यादा गीला होगा। अब मेरा देखो ये तैयार हो गया, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाला। अब ये तैयार है, देखो दोस्तों मेरे कढ़ाई में तेल भी तैयार है। अब मैं इसे ऐसे कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसमें देखो दोस्तों क्या सुनहरे सुनहरे पकौड़े बने मेरे, और देखो दोस्तों मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गए। अब इसको हम गरम गरम चावल के साथ खाएंगे। आप लोग चाहे ऐसे भी खा सकते हो, और आप लोग बताना मेरे पकोड़े कैसे बने, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों कई कई वीडियो में मैं कुछ मतलब वैसे एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे बेटे कर देते हैं, कभी कभी वो खाली होते तो पढ़ाई करते हैं ना, इसीलिए जब वो खाली हो जाते हैं उससे बनवा लेती हूँ मैं बढ़िया करके। नमस्ते दोस्तों, यूँ मुझे प्यार देते रहना आप लोग तो मैं कुछ कर पाऊंगी। नमस्ते सर। देखो दोस्तों खुशी के लिए डीम टोस्ट के बना रही मैं, ऐसे करके बनाए करो आप लोग भी। अंडा में ब्रेड को लगा के फिर बनाती हूँ। दोस्तों नाश्ता तैयार हमारा, डीम टोस्ट देख लो।